अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर की दूसरी पोएम का सेंट्रल आइडिया। अगर मित्रों आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस पोएम को विस्तार से पढ़ लें, फिर सेंट्रल आइडिया पढ़ें ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए। वैसे मैं पोएम के इसका पोएम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं मित्रों जब तक पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझने के लिए दूसरी पोएम जिसका नाम है द स्कॉलर। मित्रों द स्कॉलर कविता रॉबर्ट साउथी के द्वारा लिखी गई है। अब समझते हैं हम इसके सेंट्रल आइडिया को। ए स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब है विद्वान। ए स्कॉलर गेट्स प्लेजर, प्लेजर का मतलब है आनंद इन रीडिंग बुक्स। एक विद्वान पुस्तकों को पढ़ने में परम यानी अत्यधिक आनंद प्राप्त करता है। मित्रों जैसे पूर्व की वीडियो में भी मैं बताता रहा हूँ कि आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें ताकि जो भी मैं नए शब्द बताऊँ अगर वो आपको नहीं आते हों तो नोट कर लिया करें और अपने ज्ञान को और अच्छे स्तर तक ले जाने में खुद ही सहायक बने। तो उम्मीद करता हूँ आपने वर्ड नोट कर लिए होंगे। स्कॉलर माने विद्वान, प्लेजर माने सुख, और रीडिंग आप जानते ही हैं पढ़ना, बुक्स भी आपको पता है, लाइन में आपको बता चुका हूँ। ए स्कॉलर गेट्स प्लेजर इन रीडिंग बुक्स, एक विद्वान पुस्तकों को पढ़ने में आनंद प्राप्त करता है। दे आर हिज रियल, रियल का मतलब है सच्चे वास्तविक फ्रेंड्स, वे उसके सबसे अच्छे या वास्तविक मित्र हैं, यानी वे उसके वास्तविक मित्र हैं। दे नेवर बेट्रे, बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, विश्वासघात करना। दे नेवर बेट्रे हिम, वे उसे कभी भी धोखा नहीं देती हैं। ये दे जो आया है ये पुस्तकों के लिए आया है। दे नेवर बेट्रे हिम, वे पुस्तकें उसे कभी भी धोखा नहीं देती हैं। दे गिव हिम प्लेजर इन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुख का समय, आनंद का समय। तो हम यहाँ कह सकते हैं दे गिव हिम प्लेजर इन प्रॉस्पेरिटी, सुख के समय में वे यानी पुस्तकें वे उसे आनंद प्रदान करती हैं। दे कंसोल, कंसोल का मतलब है सांत्वना देना। दे कंसोल हिम इन ट्रबल, ट्रबल माने परेशानी संकट या कष्ट, वे कष्ट में उसे सांत्वना देती हैं। सो ही इज ग्रेटफुल टू देम, ग्रेटफुल का मतलब है कृतज्ञ यानी या आभारी। सो ही इज ग्रेटफुल टू देम, इसलिए वह उन सभी पुस्तकों का आभारी या कृतज्ञ है। ही लर्न्स विजडम, विजडम माने बुद्धिमानी, वह उनसे बुद्धिमानी सीखता है। एंड एक्वायर्स, एक्वायर माने प्राप्त करना। एंड एक्वायर्स नॉलेज थ्रो देम, और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। नॉलेज माने ज्ञान, यानी पूरी लाइन को हम कह सकते हैं वह उनसे बुद्धिमानी सीखता है और उनसे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ही होप्स दैट आफ्टर हिज डेथ, वह आशा करता है कि उसकी मृत्यु के बाद हिज नेम एंड प्लेस विल बी एमंगेस्ट द फेमस ऑथर्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स, एमंगेस्ट माने मध्य। वह आशा करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका नाम भी पुराने, ओल्डन माने पुराने यानी प्राचीन काल के लेखकों के मध्य होगा, यानी उसकी उम्मीद है कि जब वो मर जाएगा तो मरने के बाद उसका नाम और उसका स्थान भी प्राचीन काल के जो महान विद्वान लेखक हुए हैं उन्हीं के मध्य भी उसका नाम होगा। पीपल विल रिमेम्बर हिम, लोग उसे याद रखेंगे, रिमेम्बर माने याद करना। मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाया गया सेंट्रल आइडिया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी रह गई है तो एक बार पुनः देखकर उसको स्पष्ट कर लीजिए।
और मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी ना करते हुए प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और उन सभी तक शेयर कीजिए जिनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। और हमारे इस अभियान में कि हम हर व्यक्ति तक घर पर निःशुल्क ही वीडियो के द्वारा शिक्षा उपलब्ध करा पाएंगे, हमारे सहयोगी बनकर हमारा सहयोग करें। मिलते हैं जब तक अपनी अगली वीडियो में। जब तक अपना, अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने परिवार के प्रत्येक जन का ध्यान रखें, विशेषकर अपना। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।